बोर्ड ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया आज इलेक्शन के बारे में। तो 3-4 इन्होंने हॉल बनाए हैं जहाँ पे तकरीबन कोई 200 के करीब जो है ना मशीनें लगी हुई हैं वोट कास्ट करने के लिए। एट ए टाइम 200 वकला साहबान मेम्बरान जो है ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है शाम तक जो ना अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारा कैंडिडेट जी फिजर रहमान है, तो मुझे तो उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इतनी लीड से जीतेंगे कि वो दोनों कैंडिडेट जो उनके मुकाबले में हैं उनके इकट्ठे वोट करेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह उनके ज़्यादा होंगे। मुल्क के कोई भी हालात हों, हाई कोर्ट का इलेक्शन अपने टाइम पे अपने स्केड्यूल के मुताबिक होता है। जहाँ तक रही बात आज के इलेक्शन में कैंडिडेट्स के हवाले, तो जाहिर है ऑब्वियसली मैं अपने कैंडिडेट के मुतालिक बात करूँगा कि 3 कैंडिडेट्स हैं, हफीज़ चौधरी और साजिद बशीर और खादिम हुसैन कैसर। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे, खादिम हुसैन कैसर साहब का एक प्रोफेशनल लॉयर है और एक बड़े सीजन लॉयर है और सब उनको जानते हैं, तकरीबन उनकी 40 साल की प्रैक्टिस है। तो हम बड़े पुरुद है जी कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे बड़े अच्छे वोटों से। मैं तो सबको कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक तमाम कैंडिडेट्स को, क्योंकि सब ने अपने बिहाफ पे मैक्सिमम एफर्ट की है और अल्लाह ताला इनको इनके एफर्ट का जो है रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला आज देगा। जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका रिवार्ड अल्लाह ताला की ज़्यादा ज़रूर देती है। अब पहली बात यह है कि आज का इलेक्शन माशाल्लाह बहुत स्मूथ चल रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को कि इंतज़ामिया ने बड़ा वेल मैनेज इलेक्शन करवा रही है। फिजरमान चौधरी साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, बड़े हम्बल हैं, बड़े सबमिसिव हैं और अल्लाह ताला ने हमेशा उनको कामयाबियाँ दी हैं दोस्तों के तावन से। और मैं बहुत पूर्व उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला दोस्तों के तावन से उनको इस दफ़ा भी बड़ी फतह मुबीन अता फरमाएंगे और वो बार के लिए, वकला के लिए, वकला काज के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए दिन रात कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माँ यहाँ पे गहमा गहमी है और इंशाल्लाह हमारे फिजर रहमान को अल्लाह ताला कामयाबी देगा और हमें बहुत उम्मीद है कि वकला के हक में बहुत सारी जो चीज़ें रह गई हैं, जो जो भी आता है वादे करता है पूरे नहीं कर सकता, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। प्लीज़ दुआ कीजिए कि उनका नाम इतना प्यारा है फिजर रहमान, अल्लाह इनको कामयाब करे। मैं शायस्ता कौसर की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। शायस्ता कौसर ने औरतों के लिए बेइंतहा मेहनत की, वो पहली लेडी है जिन्होंने इलेक्शन की रवायत जारी रखी। इस वक्त हम दुआ गो हैं कि मैडम शायस्ता अच्छी लीड से जीतेगी इंशाल्लाह। मैं खादिम हुसैन कैसर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रोफेशनल ग्रुप से उनका ताल्लुक है, तो प्रोफेशनल ग्रुप ने उनको नॉमिनेट किया है। मैं हफीज़ुर रहमान साहब को सपोर्ट के लिए तशरीफ लाएँ, ये दोस्तों का इलेक्शन है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे फिगर से हम जीतेंगे ये इलेक्शन और सब दोस्त बहुत पुर उम्मीद हैं और ये इंशाल्लाह बार और बेंच की फतह है, हफीज़ की फतह जो है। मैं तो उधर हफीज़ुर रहमान साहब के सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मेरे बहनोई भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो इधर ही हैं, मेरी खाला की लड़की इधर है। हाँ, मैं उनका ब्रदर इन लॉ हूँ। उनके बहनोई है, चले सर। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। इस वक्त 3 उम्मीदवार हैं प्रेजिडेंट की सीट के लिए, जिनमें से मेरा कैंडिडेट खादिम हुसैन कैसर हैं। और इस वक्त आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे, उन्हें जो पज़ीराई मिल रही है यहाँ पे, बहुत सी बार से आकर लोगों ने, हम जिस तरफ देखते हैं खादिम हुसैन कैसर के ही वोटिंग नज़र आ रही है और इंशाल्लाह शाम को रिज़ल्ट भी खादिम हुसैन कैसर के हक में होगा। जी, मेरा नाम कामरान जफर चौधरी है और मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ 2009 में डिस्ट्रिक्ट बार टोबा का। और हमारा यहाँ पे हम लोग तकरीबन कोई 40-50 लोग आए हैं। हम लोग हफीज़ुर रहमान जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कम्पेन कर रहे हैं, उनको हमने वोट दिया है। ये जनाब हमारे साथ अब हाफिज़ अंसारुल हक साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। आज शाम तक ये कहते हैं कि मैं आज शाम तक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो लिहाजा मुझे अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, अब भी मेरा हुक्म चलता है। तो वैसे सर आपको ये क्रेडिट तो जाता है कि आपकी कैबिनेट ने बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया है और मैंने ये देखा है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है डेफिनेटली वो भी मुबारकबाद का मुस्तहक है क्योंकि बहुत ही पीसफुल इलेक्शन हो रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में सर? जी, जो आप दोस्तों ने और वकला हज़रात ने मैंडेट दिया था, तो कैबिनेट ने पूरा साल कोशिश की है कि उसको बहसन तरीके से सारा अंजाम दे सकें। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भी काबिले तारीफ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इलेक्शन डे के हवाले से। दूर दराज से और पूरे पंजाब से दोस्त आ रहे हैं अपने मर्ज़ी के जो उनका उम्मीदवार है उनकी फेवर में वोट कास्ट करने के लिए। और ये मैं तवक्को रखता हूँ कि शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा और शाम बहुत जल्द रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये हाई कोर्ट बार की रवायत रही है कि जो भी हारता है वो जीतने वाले को मुबारकबाद दे के रुख्सत हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जी, आज बड़ा खुशगवार मौसम है और इलेक्शन भी बहुत अच्छा जा रहा है। बड़ा यहाँ पे
लोग बड़े खुश हैं यहाँ आकर, स्पेशली मुफसल से जो हमारे दोस्त आए हैं, जिन्होंने हमें इज्जत दी है, और हम हफीज़ुर्रहमान चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी कामयाबी बड़ी वाज़ेह है। नासर जावेद घुम्मन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जी, बहुत रश है आज, और चौधरी हफीज़ुर्रहमान साहब के बहुत ज़्यादा तादाद वोटर्स हैं। आदम नजीर तारा जिंदाबाद, हसन भोंद जिंदाबाद, बीबीए जंग जिंदाबाद, बीबीए जंग जिंदाबाद। आज एक तो मैं इंतजाम देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी प्रूफ सारा मामला थे, और अच्छा कंटेस्टेंट तमाम मौजूद हैं, जिसमें हर कैंडिडेट अपने हिसाब से कहते हैं कि जी हम कामयाब हो गए इंशाल्लाह। तो मैं वैसे देख रहा हूँ कि फयाज़ रांझा, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं लास्ट ईयर वो नहीं जीत सके थे, तो इस बार इंशाल्लाह लग रहा है कि जी वो क्लियर कर जाएंगे। बहुत हद तक उनका पॉजिटिव चल रहा है, हर बंदा ही तकरीबन उनको वोट डालने के लिए कोशिश है, तो इंशाल्लाह कामयाबी उनको मिलेगी। और बाकी प्रेसिडेंट वगैरह का अभी तक कोई खास क्लियर नहीं कह सकते कि कौन सा बंदा क्लियर होगा, सबके तकरीबन बराबर चल रहा है, हर बंदा पूरी उम्मीद है कि जी वो जीतेगा लास्ट। मैं प्रेसिडेंट की सीट के लिए चौधरी हफीज़ुर्रहमान साहब को वोट कास्ट कर रही हूँ, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। बाकी भी जो हमारे कोलीग्स हैं, रांझा साहब, फयाज़ रांझा साहब, उनको कास्ट करूँगी इंशाल्लाह, और वो जीतेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं नारे लग रहे हैं मोहतरमा शाइस्ता कैसर साहिबा का, वीपी के उम्मीदवार हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। तो मैडम मेरे साथ, मैडम खुद भी मौजूद है, तो मैडम से पूछते हैं कि आज का इलेक्शन कैसे देख रही हैं और कितनी एक्सपेक्टेशन और कितनी उन्हें उम्मीद है अपनी बेहतरीन जीत की। जी मैडम जी, मैं अपने अल्लाह से बहुत उम्मीद हूँ इंशाल्लाह, मेरे सारे भाई, मेरी फैमिली हैं, मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह मेरी जीत होगी। ये जो काला कोर्ट है तेरा वोट है, ये जो हाई कोर्ट है तेरा वोट है। जो भी है मैडम की हमारी ना कैंपेन बहुत अच्छी रही है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के। इंशाल्लाह हमारी मैडम साहबा एक नहायत अच्छी इंसान है और मेहनत की है उन्होंने, और इंशाल्लाह आज डूबता हुआ सूरज जो उनसे ना हमारे लिए रहमत का बाइस होगा। शी इज अ होप फॉर न्यू जनरेशन। मैं सियालकोट से वाइस प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुआ हूँ, मैं अपने चार जो कोचेज हैं उनके काफिले के साथ बाजी शाश्ता के लिए आया है, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हम जीत के जाएंगे। आज का इलेक्शन जो है अभी तो टू अर्ली है कुछ कहना, लेकिन सबका माहौल अच्छा ही नज़र आ रहा है। ये जो इलेक्शन है ये मैं समझता हूँ कि एक मेले का रूप धारता है, और हमारे जैसा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में नहीं होता, और हम लोग इंशाल्लाह आज इंजॉय कर रहे हैं, सारे गुलमुल हैं, बाकी हर बंदे का कैंडिडेट अपना है, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। जैसा लाहौर बार का इलेक्शन का समा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे सुकून है और बहुत अच्छे तरीके से वोट कास्ट हो रहा है, और जहाँ मैडम पहुँच जाती हैं और मीडिया की कवरेज होती है और जस्ट वन टीवी बुकला की आवाज़ आ जाती है, तो ये तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। इलेक्शन के इंतजाम की हद तक तो मेरे ख्याल में बहुत दुरुस्त हैं और बड़े ही काबिल तारीफ़ हैं, कोई इस तरह का अभी तक खुदा न खास्ता वाक़या नहीं हुआ कि जिससे किसी को शिकायत हो। रहा रिज़ल्ट का मामला, तो जो ज़्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा, और मेरा अपना ख्याल ये है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ प्रोफेशनलिज्म जीतेगा, हमेशा प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो है बाहर के, बड़े बड़े वकला बाहर के जो है सदर रहे हैं, जिनमें मंजूर कादिर साहब, मियाँ महमूद अली कसूरी साहब, एसएम जफर साहब, और अब भी बार जो है फैसला प्रोफेशनलिज्म के हवाले से करेगी, और बार उसी को वोट देगी जो प्रोफेशनल लॉयर होगा, और जो प्रोफेशनल लॉयर नहीं होगा मेरा ख्याल ये है कि बार उसको मुस्तरद करेगी। इलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने कैंडिडेट के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं, हार जीत तो अल्लाह ताला ने ही देनी है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। पोलिंग का अमन बहुत पुरअमन तरीके से हो रही है, बहुत पुरअमन तरीके से पोलिंग जा रही है, इंशाल्लाह हम अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं कि हमारे उम्मीदवार विन करेंगे इंशाल्लाह। आज का इलेक्शन बहुत खुश असलूबी के साथ और बड़े अफहम व तफहीम के साथ चल रहा है, और दोस्त इकट्ठे मिल के कम्पेन कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। अच्छा, और नज़र आ रहा है यहाँ पर सपोर्टर बैजर से
इंशाल्लाह। मैं रांझा की बैजर हूँ और इसे सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब ये जीत जाएंगे और बल्कि अच्छे मार्जिन से ये जीतेंगे और बल्कि मैं इनके लिए एक थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। रांझा रांझा कर दे आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दे आपे रांझा होई। जो पहली कैबिनेट थी उसने बहुत अच्छा काम किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आने वाली कैबिनेट है वो भी इसी तरह बहुत अच्छा काम करेगी और सारी जिम्मेदारियां जो हाई कोर्ट की हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी और इन सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ खास करके लेडी लॉयर्स के जो जो उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरियात हैं उनको पेश नज़र रखेगी। रांझन वे तेरी दीद करा ते इश्क नमाज मनीता, रब दी सो में प्यार तेरा मैं, रब दी सो वे प्यार तेरा वै, गल पाले अवांग तवीता, ओ रांझन वे तेरी दीद करा ते इश्क नमाज मनीता। भाई रांझा साहब बड़े खुशकिस्मत हैं, मेल क्या फीमेल क्या सब उनके लिए गाने गा रहे हैं। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला फुल गुलाबे, चिट्टा चोला फुल गुलाबे नहीं भुलेंदा ढोला नवाबे, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। इलेक्शन के बारे में मेरे ख्याल यही हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, इज गोइंग वो वेरी गुड, और इसके अलावा इंतजाम भी अच्छे हैं और यहाँ की जो इंतजामिया है बहुत अच्छा काम कर रही है, जो हमारे अपना उम्मीदवारान है वो भी बहुत अच्छे तावन कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा क्राउड है वो भी कोऑपरेटिव है। नस्र मिनल्लाहि वफातुन करीम, और ये मैं सर फयाज को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे सीनियर हैं और इंशाल्लाह हम लोग बड़ी उम्मीद से हैं और इंशाल्लाह हम लोग विन करेंगे। जी माशाल्लाह जी, आज ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ है और सही जमहूरियत के मायने में आज जो इलेक्शन था वो पूरा इधर हुआ है। हम सारे दोस्त एक दूसरे के अपोजिट भी खड़े हुए हैं लेकिन इतने सब्र इतने तहमल और इतनी बुर्दबारी के साथ आज का हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया है जिसकी पूरी एशिया के अंदर किसी जगह मिसाल नहीं बनेगी। ये हमारे एक भी झगड़ा हमारा आज सुबह से लेके अब तक नहीं हुआ। हम सारे दोस्तों ने एक दूसरे के मुखालफ होने के बावजूद बड़ा एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है और टू मच अच्छे तरीके के साथ इलेक्शन हुआ है। पिछले जो साल इलेक्शन हुआ था लोग एक मील से दूर से चलकर पैदल आते थे, हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने आकर वकला यहाँ आए और वकला जो है बड़ा अपने आप को जो है ना वो कंफर्टेबल महसूस फील कर रहे हैं, तो इलेक्शन जो है बड़ा माशाल्लाह पुरअमन हो रहा है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। चेयरमैन जो इलेक्शन बोर्ड है वो हमने 6 महीने पहले बना दिया था और इसलिए बनाया था ताकि वो चेक एंड बैलेंस लग करे, और हमारे इस टेन्योर में हमने ये पाबंदी लगा दी थी कोई वकील जो है कैंडिडेट है वो फ्लैक्स नहीं लगा सकता, कोई बैनर नहीं लगा सकता, वो नज़र मैडम साहब आपको नज़र आ रहा होगा, और खानों पर भी पाबंदी लगा दी थी, सिर्फ आज ही जो कैंडिडेट खाना दे रहे हैं, अदरवाइज़ किसी ने कोई बड़ा खाना नहीं किया। तो दुआ करें अल्लाह ताला जो भी नई रजीम आए वकला की वेलफेयर के लिए काम करें, वकला की बेटरमेंट के लिए करें, बार और बेंच को साथ लेकर चले। देर इसलिए की है कि रश कम हो जाए, पहले अच्छा। बहुत रश था, अब वो फ्री हो गए, रश कम हो गया, मैं जाके इजीली डालूंगा। हाँ जी, आज का इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, मुकाबला बड़ा कांटेदार है, बड़ा पुरअमन माहौल में आज की सारी कैंपेन हो रही है और हर साल की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी जीतने वाले लोग बड़े पुरअमन तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, हारने वाले अपनी हार को तस्लीम करेंगे, और जो हमारी जमहूरी रवायात हैं इस बार की हाई कोर्ट बार की उसे बरकरार रखेंगे। अच्छा इलेक्शन है, पूरा मन इलेक्शन है और वकला काफ़ी जोश व खरोश से वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने की वजह से काफ़ी सारे वकला जो हैं वो वोट के हक़ से महरूम रह गए हैं, इस वजह से अंदर रश नहीं है, बड़ा पीसफुली इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन मैं समझता हूँ कि पहले इलेक्शन से जो ना वो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे पहले होता था कि लाइनें लगी होती थी, बड़ा मसला होता था, लेकिन बिल्कुल ये ऐसे इलेक्शन हुआ कि जैसे इजी इलेक्शन है,
باقی یہ بایو میٹرک کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی وہ کچھ رہ گیا ہو لیکن کافی حد تک بایو میٹرک ہو چکا ہے، اس سے پہلے الیکشن بھی بایو میٹرک ہوا تھا، تو یہ ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے بایو میٹرک کروا لیں۔ تو بہرحال گزارش باہر سے بھی ہے کہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو تصدیق کر کے ووٹ ڈلوایا جائے تو بہتر ہے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہیں یہ ہر سال ہوتے ہیں، چاہے مارشاء اللہ ہو، کوئی بھی دور ہو، اور دوسری بات پرامن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سارا دن ہر آدمی نے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگے اور ہر دوست سے مانگے، اور ہم نے بھی حفیظ الرحمان چودھری صاحب کو کینڈیڈیٹ پر پریزیڈنٹ ان کے لیے سارا دن لوگوں سے ریکویسٹ کی، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حفیظ الرحمان صاحب جو اب تک کی پوزیشن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ بفضل خدا وہ پریزیڈنٹ ہوں گے۔ ہائی کورٹ کا جو الیکشن ہے یا لاہور بار کے الیکشن جو ہے وہ بہترین جمہوری روایات کے ہمیشہ ترجمان ہوتے ہیں۔ آپ نے بہترین روایات دیکھنی ہو جمہوری تو وہ یہاں پہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے وکلا جو ہیں وہ ڈفرینٹ امیدواران کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ان کے تعلقات قطعاً متاثر نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک فیسٹیویٹی ہوتی ہے جسے وکلا کے ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہیں لوگ بھی۔ جیسا کہ میڈیا کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں بھرپور دلچسپی دکھاتا ہے اپنی۔ تو اس کے ساتھ جو آپ پوچھ رہے ہیں ہمارے امیدوار کا پوچھا آپ نے، تو انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن جیت چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے تو اس الیکشن میں بہت زیادہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے، ہر سارے پارٹیسپینٹ بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں چودھری حفیظ الرحمان صاحب کے لیے ووٹ اینڈ سپورٹ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ انشاءاللہ ہمیں پر امید ہیں اس بات پہ کہ سر چودھری حفیظ الرحمان ونر ہوں گے اس الیکشن کے پریزیڈنٹ کے لیے۔ ہم چودھری حفیظ الرحمان صاحب کے سپورٹر ہیں اور ہم نے پورا سال محنت بھی کی ہے، اور آج الیکشن ڈے پہ بھی ہم نے چودھری صاحب کے لیے جتنی کوشش کی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چودھری صاحب کے انشاءاللہ چودھری صاحب پہ مہربان ہوگی، اور دوستوں نے لاہور کے موسٹلی جو 90% گروپس ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، انشاءاللہ رزلٹ آنے والا ہے، اور یہ رزلٹ انشاءاللہ چودھری حفیظ الرحمان صاحب کی جیت کا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت اچھا الیکشن تھا، اچھی گیدرنگ تھی، بہت مزہ آیا اور ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا۔ تمام کینڈیڈیٹس کو بیسٹ آف لک کہوں گی جنہوں نے اتنی ایفرٹس کی اور یہاں پہ فل ڈے اسپینڈ کیا اپنے اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ اور بہت زیادہ محنت کی، ان کو بیسٹ آف لک بولنا چاہوں گی۔ تھینک یو جی۔ بیٹا آپ بتاؤ۔ جی میں تو حفیظ الرحمان صاحب کی سپورٹر ہوں، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جیتیں گے، اور میں بیسٹ آف لک کہوں گی حفیظ الرحمان صاحب کو، اور اس کے بعد فیاض رانجا صاحب کو۔ میں نے ساجد صاحب کو سپورٹ کیا ہے، انشاءاللہ وہ ون کریں، ہماری بہت زیادہ ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ جی آج کے الیکشن میں ابھی ہار جیت تو اللہ کے بس میں ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ بل آج کا الیکشن پرسکون تھا، خوبصورت تھا، کوئی کنفلیکٹ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا اس میں سٹرائف نہیں تھا، خوبصورت ماحول تھا، اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وکلا کے الیکشن میں ایسی ہی پیسفلنیس ہونی چاہیے جیسی آج تھی۔ یہ انصر جمیل گجر صاحب کو آپ کریں سپورٹ، یہ انشاءاللہ جیتے گا۔ آپ مجھے، آپ نے چونکہ میرے بیج پہ یہ بات کر دی ہے تو یہ آج نہیں، میں ٹھیک الحمدللہ، یہ رپیٹر بھی ہے، اچھا بچہ ہے، شریف آدمی ہے، یہ انشاءاللہ جیتے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لائیز کا الیکشن ہائی کورٹ ایک ایگزامپلری الیکشن ہے، سب سے مین بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے، پورے پاکستان میں صرف ہائی کورٹ ہی ہے جو ای ووٹنگ کروا رہا ہے، اور اتنا ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ پرامن اور صحیح جمہوری انداز، جن کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے وہ دوسرے ان کو مبارکباد دیں گے، پھر ہم اسی طرح بھائی بھائی سارے اپنا، یہ ماشاء اللہ بڑا۔ چلے جی بیسٹ آف لک سر۔ خاور سنا ایڈوکیٹ ہے، ناروال سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ قریب۔ تو ہاں جی، تو شاہ دیڑ صاحب نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیے، مزید کہنے کی کوئی بات رہی نہیں۔ واقعہ سر بڑا پرسکون الیکشن ہوا۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت ترین ہماری روایت ہے، اور ملک کے کچھ بھی حالات ہوں، مارشاء اللہ ہو، جمہوریت ہو، آمریت ہو، ہماری روایت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ جاری و ساری رہی ہے، اور یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بڑا فخر کی بات ہے، اور میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے اچھے طریقے سے آپ نے یہ سارا پروگرام کی کوریج کی ہے، اور وکلا برادری کے لیے ایک اچھی مثال جو ہے انشاءاللہ قائم ہوگی۔ سر اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کیا کہیے گا؟ یہ انشاءاللہ بہت واضح میجورٹی کے ساتھ جیت چکے ہیں، آپ سے 10 منٹ بعد ہم انشاءاللہ یہاں پر آپ کو مٹھائی کھلائیں گے۔
आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जिन कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे थे, यानी चौधरी अब्दुल हफीज साहब, चौधरी हफीजुर रहमान साहब, वो माशाल्लाह सदर का इलेक्शन भारी एक्सपीरियंस से जीत चुके हैं, और फियाज अहमद रांझा साहब भी सेक्रेटरी का इलेक्शन जीत चुके हैं। यहाँ हम चौधरी हफीज साहब के पास खड़े हैं, चौधरी साहब से पूछते हैं, सर ये इलेक्शन आपने माशाल्लाह विन किया है, इसको जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात काम किया, ये सबकी जीत है। अल्लाह ताला मुझे इनकी तवक्कात पे पूरा उतरने की कोशिश करो। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बहुत ही रिमार्केबल जीत है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार विक्ट्री है, ये विक्ट्री है, विक्ट्री है, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अच्छी सेहत लंबी जिंदगी दे और इनको इनके बेहतरीन जो अजायम है उनमें कामयाब करे और ये वकला के लिए, बार और बेंच के लिए बेहतरीन एक जो है वो ताल्लुक जो इस्तवार करने में करने का बाइस बने और वकीलों के फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो इसके साथ ही जनाब जस्ट वन टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज हम आपके साथ, और इलेक्शन का आखिर एंड हुआ है, अब मैं थोड़ा सा ये अनाउंस करती जाऊँ रिजल्ट। चौधरी हफीजुर रहमान जो है वो सदर पे इलेक्शन जीते हैं और फियाज अहमद रांझा सेक्रेटरी पे इलेक्शन जीते हैं और नायब सदर पे कबीर अहमद चौधरी साहब जीते हैं और फनान सेक्रेटरी पे अंसर जमील गुजर साहब जीते हैं। तो ये जनाब आज का लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये जो प्रिंसिपल सीट है आज इसका ये रिजल्ट है, और जनाब इन्हीं खुशियों के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, फैमिली का, सबका, आपसे हम इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफिज़, फी अमानल्लाह।